क्लास सिक्स हिंदी वर्कबुक चैप्टर फोर गिनती 51 से 100। उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। आपको यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ज, तो ज का आपका हो जाएगा 85। यहाँ पे लिखा है 85, तो हमने ज कहाँ पे 85 लिखा हुआ, तो ज हमने कोष्टक में लिखा। वैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 73, 73 कहाँ पे है, तो क में है, इसलिए हमने यहाँ पे क लिख दिया। उसके बाद जो है 69, 69 कहाँ है, तो छ में है 69, तो हमने यहाँ पे छ लिख दिया 69। उसके बाद है 56, 5 और 6 है 56, तो वो ग में है तो 56 लिख दिया। उसके बाद है 99, 99, तो ख में है तो ख लिख दिया हमने। उसके बाद 88, 88 है ग में, तो हमने ग लिख दिया। उसके बाद है 76, तो 76 कहाँ पर है, च में, तो हमने यहाँ पे च लिख दिया। इस तरह से आपको लिखना है। आगे निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है, उनको शब्दों में लिखना है। यहाँ पे दे रखा है 75, 75 दे रखा है, तो हमने शब्दों में लिख दिया 75। उसके बाद 90, 90 लिखा है यहाँ पे, 54, 89 और 67 और 93, तो हमें हिंदी में लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब यहाँ पे दे रखा है तो उनको अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 57, तो 57 लिखना है, 63 और 70, 83, 95, 53, 66, 66 यहाँ पे 66, 79 और 87 और 91, तो हमने इसको अंकों में लिख दिया। इसी तरह आगे अंकों और शब्दों की जोड़े मिलाइए। आपको जोड़े मिलाने हैं। आगे यहाँ पे और ब दे रखा और बीच में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे 59 है ये, तो 59 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 59 ये रहा, तो यहाँ पे हमने 59 लिख दिया। 70, ये 70 है, 71, 84, 96, 51, 65, 74 और 97 और 92, तो यहाँ पे ये उत्तर दे रखे, तो यहाँ पे हमने बीच में उत्तर लिख दिए। आगे दे रखा है निम्नलिखित दिए हुए हिंदी शब्दों के लिए गुजराती अथवा अंग्रेजी शब्द लिखिए। गुजराती भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों लिखे हैं। तकिया, तकिया को बोलते हैं गुजराती में ओसी को, और इंग्लिश में बोलते हैं पिलो। उसके बाद कंगा, कंगा को बोलते हैं गुजराती में कास्को और इंग्लिश में कोम्ब। और खरल, खरल को बोलते हैं खल और मोटर। चारपाई को खाटलो और बेड स्टेड। उपला यानी छाणो, काउडंग, केक बोलते हैं उनको। उसके बाद आगे है नीचे दिए गए शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। आपको यहाँ पे दे रखे हैं वर्डो, तो बरामद आपको हिंदी शब्द में लिखना है। यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश दोनों दे रखा है। कबाट दे रखा है, तो अलमारी, पाखाना और खपरेल, और घड़ियाल को घड़ी, इस तरह सबको हिंदी में लिखना है। आगे है कोष्टक में से दिए गए शब्दों में सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम दे रखा है मैं, वह, कौन, रमेश, हम, गीता और उसे, तो वह 30 वर्ष का है। पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। इस तरह से आगे है उचित जोड़ा मिलाइए। आपको और ब दे रखा है और बीच में आपको उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे ये सिंबल दे रखा है, तो किसका है, तो आगे बम्प है, बम्प का ये सिंबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे बम्प है। और यहाँ पे दे रखा है माइल स्टोन यानी अंतर दर्शक। उसके बाद ये रेलवे फाटक है, और यहाँ पे खतरा का सिंबल दे रखा है, तो खतरा लिखेंगे। आगे प्रवृत्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको करनी है, तो यहाँ पे जो शब्दों में दे रखे हैं उनको डॉट डॉट को मिला करके इस तरह से ये चिड़िया एक बन जाएगी। समझिए और लिखिए। यहाँ पे आपको समझना है और लिखना है 21 से लगा करके, आपको यहाँ पे दे रखा है 50 तक, तो आपको इसी तरह से आपको 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, उसी तरह से आपको अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है। आगे दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए।
अब कास्को, कास्को को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गंगा। खल को क्या कहते हैं? खरल। और उसी को तकिया कहते हैं। कबाट को अलमारी कहते हैं। खाटलो तो चारपाई। नड़ियू तो खपरेल। और छाणो तो उपला। और घड़ियाल तो घड़ी। इस तरह से हम लिखेंगे।